खुद इसलिए देख रहे हैं, सीएनजी 100 रुपए हो जाएगी, ऑटो चलाना छोड़ देंगे। महंगाई इतनी हो गई है, इससे अच्छा तो पैदल चल लो बढ़िया। 12-13 हज़ार रुपए में जो आउटसोर्सिंग पर सैलरी मिली है तो क्या गुजारा होगा इसमें? ये हम लोगों के लिए मजबूरी है। अगर गवर्नमेंट जो है सार्वजनिक वाहन सही तरीके से चलाए तो हमें क्या जरूरत है इसको खींचने की? ये तो समय के साथ साथ बदलाव होते रहते हैं, इसमें क्या है? अब इंटरनेशनल प्रॉब्लम आएगी तो पेट्रोल के रेट भी बढ़ेंगे ही। कोई ये थोड़ा ना है कि अब लोग घूमने फिरने में लगे हुए हैं, लोग कहाँ कहाँ जाते हैं तो तब पेट्रोल खर्च नहीं होता लोगों का, ये तो एक मुद्दा बना के लोग चलते हैं। न्यूज में हम देखने का फायदा क्या है? कुछ भी फायदा नहीं, फायदा नहीं है। इतना कुछ दिखाते हैं आप, जागरूक जैसे कुछ नहीं होता ना मैडम, जब कुछ फायदा होगा जब भी तो फायदा होगा। मैम ऐसा पहली बार हो रहा है, इसलिए पहली बार इतना 2 महीने में, साल भर में बढ़ता था, 1.5 साल में 2-3 रुपए बढ़ता था, एकदम ही 35-25-26 रुपए बढ़ गया 1 महीने 2 महीने। तो सरकार तो सुनिए ना, सरकार तो जय श्री राम हनुमान चालीसा और ज्ञान व्यापी अभी मंदिर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनिता आवाज। जिस तरीके से महंगाई आसमान के रेट छू रही है, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल और सीएनजी के भाव आसमान छूते हुए गरीब लोगों के ऊपर भारी से भारी मार दे रही है, उनकी कमर तोड़ दे रही है, और नींबू इतना महंगा हो रहा है, तो उसी तरीके से ये जो गरीब है उसका नींबू निचोड़ दे रही है ये महंगाई। देख सकते हैं आप सामने किस तरीके से पेट्रोल और डीजल यहाँ पर सब लोग भरवा रहे हैं, स्कूटी वाले भी मौजूद है, एक तरफ स्कूटी और बाइक की कतार मौजूद है, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं गाड़ी और ऑटो और टेम्पू की कतार मौजूद है। अभी इन्हीं से पूछ लेते हैं, भैया क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। संजीव जी, अभी कितने रुपए का पेट्रोल भरवाया आप? 334 रुपए का। 334 रुपए का मिल गया आपको, कितना लीटर मिल गया? 3.17 आया। तो ये मतलब पेट्रोल महंगा है कि नहीं है? महंगा है मैडम, महंगा हो रहा है। जी महंगा, पहले 250 रुपये में ये भर जाती थी हमारी, अब ये 350 रुपया। 250 रुपये में काम चल जाता था, और अब कितना में भरवाएं आप? 350 रुपये। 350 रुपये में, तो इसमें कुछ बचत हो रही है? नहीं, बचत नहीं हो रही है, जितनी यूजेज कंसम्पशन है उतनी तो हो ही रही है, लेकिन पेट्रोल की रेट महीने में आपका इंक्रीज हो ही रहा है गवर्नमेंट के साइड से। कमाई कमाया, क्या काम करते हैं? मैं असिस्टेंट प्रोग्रामर हूँ, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दिल्ली गवर्नमेंट में है, तो जिस रेशियो से महंगाई बढ़ रही है उस रेशियो से जो वेजेस बढ़नी चाहिए दिल्ली गवर्नमेंट में वो नहीं बढ़ रही है। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, क्या सैलरी बढ़ी है आपकी? नहीं, उस रेशियो में नहीं बढ़ती है। मतलब महंगाई हो रही है, मार पड़ रही है, सैलरी वही की ज्यों की त्यों है। हाँ हाँ बिल्कुल मैडम, वाकई में। तो किस तरीके से देख सकते हैं आप, आम आदमी की कमर तोड़ दी है महंगाई ने, और यहाँ पर लगातार सभी लोग मौजूद हैं, सभी से मैं बात करती हुई जा रही हूँ। भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद हैदर। मोहम्मद हैदर। हैदर जी, तो आप भी पेट्रोल भरवाने आए हैं? जी मैम। खुश दिख रहे हैं, बढ़िया लग रहा है, महंगा पेट्रोल जा रहा है भरवा रहे हैं? अब मैम मजबूरी है, डलवाना तो है ही। महंगा है पेट्रोल? हाँ महंगा है, बिल्कुल है, महंगाई हो रही है, कहीं नहीं महंगाई हो, बिल्कुल हो रही है। महंगाई हो रही होती तो आप लोग थोड़ा आक्रोश में होते। आक्रोश में क्या करेंगे, आक्रोश में आके बताइए मैम क्या करेंगे, मतलब महंगाई नहीं लग रही है? अपनी जॉब देखेंगे या आक्रोश दिखाएंगे? करते हैं जॉब, करते हैं भैया मंडी हाउस पे, मंडी हाउस में जॉब करते हैं। अच्छा, तो ये पेट्रोल जो है अभी कितना लीटर आप डलवाते थे पहले, और अब जो है उसी लीटर में आपका काम चल जा रहा है, कितना लीटर अभी डलवाने आए? अब तो मैं 210 रुपये का डलवाऊंगा मैडम बस। महंगाई कितने हो रही है, कितना मिल रहा है, बिक रहा है पेट्रोल? 105 हो गया, पहले 95 था, अब 10 रुपए बढ़ गए, थोड़ा थोड़ा करवा कर। 10 रुपए ही तो बड़े हैं, ज्यादा थोड़ी। 10 रुपए तो बहुत होते हैं ना। 10 रुपए में क्या आता है? बहुत कुछ आता है मैम, महंगाई हो रही है, बिल्कुल हो रही है मैम। अभी अभी और भी लोगों से देखिए, अब जान लेते हैं। ये देखिए फैमिली के साथ आए हुए हैं, क्या नाम है आपका? अमृत सिंह। अमृत सिंह जी, ये अभी पेट्रोल भरवा रहे हैं, कितने का पेट्रोल भरवा रहे हैं? 70 का। ये फैमिली के साथ हैं आप और 70 का भरवा रहे हैं? महंगाई इतनी हो गई है, इससे अच्छा तो पैदल चल लो बढ़िया है। और कितना लीटर मिल गया इसमें? 1 लीटर भी नहीं मिला। 1 लीटर भी नहीं मिला, फैमिली के साथ है। और सैलरी बढ़ी है आपकी? सैलरी घट रही है, बढ़ नहीं रही। क्या काम करते हैं? एडवोकेट संघ हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट में, अच्छा खासा तो सैलरी होगी। प्राइवेट जॉब है ना, सरकारी नहीं है, प्राइवेट जॉब है, फिर भी 70 का भरवा रहे हैं।
फैमिली को घुमाने ले जा रहे हैं, बच्चे भी देख रहे होंगे, चॉकलेट दिलाएंगे पापा सब कुछ तो घुमाना है, बच्चे भी आप भी मुस्कुरा रही हैं। बोल दीजिए क्या थोड़ी बहुत महंगाई हुई है या फिर सही चल रहा है? बढ़िया, बहुत महंगाई, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत महंगाई। थोड़ी बहुत नहीं हुई है, बहुत हो गई है। और क्या, बहुत महंगाई है। कितनी बहुत हो गई है, कमर तोड़ दी महंगाई। और क्या, कमर तोड़ दी। रसोई गैस तो चलाती होंगी? हाँ, वो 1000 का हो गया सिलेंडर, सिलेंडर भी 1000 पार जा रहा है। तो देखिए किस तरीके से जो है महंगाई की दौर में वो 70 रुपीज का पेट्रोल डलवा रहे हैं, और दो बच्चे बैठे हुए हैं, उनकी वाइफ मौजूद हैं, कहीं घूमने का प्लान बनाया, बनाएंगे भी कैसे जिस तरीके से महंगाई हो रही है, बच्चे 4 चीज़ों की जिद कर देंगे, ऊपर से बीवी नाराज़ हो जाएंगी, क्या करे आखिर आम आदमी, करे क्या, किस तरीके से महंगाई जो है कमर तोड़ रही है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुरेश पाल है। सुरेश पाल जी, महंगाई हो रही है? महंगाई तो सबको दिखाई दे रही है, महंगाई हो रही है। हाँ, महंगाई दिखाई दे रही है, कुछ महंगाई नहीं है। 12-13 हज़ार रुपये में जो आउटसोर्सिंग पर सैलरी मिल रही है तो क्या गुजारा होगा इसमें? ये हम लोगों के लिए मजबूरी है। अगर गवर्नमेंट जो है सार्वजनिक वाहन सही तरीके से चलाए तो हमें क्या जरूरत है इसको खींचने की? तो महंगाई वाकई में है, महंगाई हो रही है। ऐसा तो न्यूज जो चैनल है वो तो दिखाई नहीं, महंगाई है ही नहीं बिल्कुल भी। तो पैसे वाले के लिए महंगाई नहीं है, जो गरीब आदमी है उसके लिए तो महंगाई के लिए नहीं है। 1000 रुपये का सिलेंडर हो गया, फिर अभी कितने रुपये का अभी पेट्रोल डलवाने? अभी जो है कभी 50 का, कभी इतने का, इस तरीके से चलाना पड़ता है। 105 हो गया है पेट्रोल, बताइए। तो ये तो इससे पहले कितना था? पहले तो जो है 70 रुपये था, 70 रुपये में काम चल जा रहा था, वहीं 105 तो मान लो ड्यूटी का जो हो जाता था, लेकिन अब तो जो है भारी हो रहा है काम। देखिए कमर तोड़ दी बिल्कुल, और क्या, रोज करे भी तो किसके सामने रोज करे, कौन सुन रहा है, सुनने वाला तो कोई है ही नहीं। बात तो रखिए, बोलिए, बोलेंगे नहीं तो कैसे? नहीं, हिंदुस्तान में सुनने वाला कौन है? क्यों, सुनने वाली सरकार है, सरकार को बोलिए, सरकार तो पहुंचाइए अपनी बात। कोई कौन पहुंचा रहा है, गरीब आदमी कौन सुनता है? गरीब आदमी के लिए तो, आम जनता के लिए ही तो सरकार काम। गरीब आदमी का तो कुछ भी नहीं सुना जा रहा, कुछ भी नहीं सुना जा रहा, गरीब आदमी का कुछ भी नहीं सुना जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये महंगाई, कमर तोड़ महंगाई हो रही है, और लगातार भी सामने हम बात कर लेते। सर क्या नाम है आपका? अजय वर्मा। अजय वर्मा जी, अभी गाड़ी लेकर आए हैं, पेट्रोल डलवाने आए हैं, कितना अभी महंगाई महंगाई है कि नहीं है पेट्रोल? नहीं, ये तो समय के साथ साथ बदलाव होते रहते हैं, इसमें क्या है, अब इंटरनेशनल प्रॉब्लम आएगी तो पेट्रोल के रेट भी बढ़ेंगे ही। कोई ये थोड़ा है कि अब लोग घूमने फिरने में लगे हुए हैं, लोग कहाँ कहाँ जाते हैं तो तब पेट्रोल खर्च नहीं होता लोगों का, ये तो एक मुद्दा बना के लोग चलते हैं। मुद्दा है पेट्रोल महंगाई? तो महंगाई तो वैसे खर्चा करने के लिए लोगों के पास पैसा है, पेट्रोल एक मुद्दा है। इंटरनेशनल क्या प्रॉब्लम्स? यूक्रेन का प्रॉब्लम चल रहा है तो लोगों को परेशानी नहीं आ रही है क्या? अच्छा। आप खुद देखिए प्रॉब्लम सब जगह आती है। तो महंगाई मतलब नहीं है आपके हिसाब से? समय के साथ सब कुछ होता है बदलाव। अच्छा। खाली पेट्रोल ही क्यों महंगा? क्या करते हैं? मैं पब्लिशिंग का काम है मेरा। बढ़िया, अच्छा खासा आप सैलरी आ जाती होगी बढ़िया से? नहीं, सैलरी सबकी आ रही है, अभी चल ही रहा है। हाँ। लोगों का परेशानी अगर कोरोना की वजह से लोगों को आया है तो लोग जेल भी रहे हैं, वो परेशानी तो सबके साथ है। तो यूक्रेन का मुद्दा जो है भारत में गर्म आ गया। इंटरनेशनल तो प्रॉब्लम्स सब जगह आती है, अगर लड़ाई कहीं छिड़ती है तो उसकी प्रॉब्लम तो खाली यहाँ थोड़ा आएगी। अभी यूक्रेन की आप बात कह दे रहे हैं, उससे पहले भी इतना महंगाई हो रही, तब तो यूक्रेन नहीं। नहीं नहीं, तो नहीं, महंगाई तो दूसरी चीजों में भी तो आ रही है, खाली पेट्रोल में थोड़ा है। अभी देखिए इनसे, अभी इनसे हमने बात करी और कह रहे हैं कि इंटरनेशनल मुद्दे हैं, जिस तरीके से यूक्रेन में लड़ाई छिड़ी उस तरीके से भारत में इसलिए महंगाई हुई है, अदरवाइज महंगाई है ही नहीं, ये इनका कहना है। अभी और भी लोगों से जान लेते हैं। सीएनजी का भी यहाँ पे जो है मौजूद है, आप सामने देख सकते हैं, टेम्पो है, ऑटो भी यहाँ पे है, जो ट्रक वगैरह होते हैं वो सब मौजूद है, अभी इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया? तेजवीर है। तेजवीर। तेजवीर जी, सीएनजी डलवाने आए हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या क्या भाव चल रही है सीएनजी? सीएनजी तो बहुत महंगी हो गई इस टाइम। महंगी हो गई? कहाँ महंगी हो गई है? काफी महंगी है सीएनजी अब तो। कितना रुपए पे मिल रही है सीएनजी? अभी तो रेट बढ़ गए, कल परसों मैंने परसों फिर भर गए। हाँ, परसों बढ़ गए ना पैसे, मतलब हनुमान जी की पूछ की तरह बढ़ रहे हैं पैसे, बढ़ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी कितना कमा लेते हैं? अब तो इस टाइम काम मंदा है, इस टाइम तो 1000 रुपए भी कमाना भारी हो रहे हैं। हाँ। और सीएनजी कितना मिल रही है? सीएनजी 600 रुपए की आती है, एक बार में भरवा देता हूँ। हाँ जी। और
इतनी कमाई हो जा रही है कि 600 रुपए? नहीं हो रही। तो कमर तोड़ रही है महंगाई कमर तोड़। आप तो कह रहे हैं कि इस तरीके से महंगाई है ही नहीं। महंगाई बहुत है भाई, महंगाई। तो अभी देखिए इनसे भी हमने बात की, सीएनजी 600 रुपए बता रहे हैं, डलवाना महंगाई में इतना मुश्किल हो रहा है, जहाँ एक तरफ रोजगार नहीं है युवाओं के पास और खाने को तक जो है खाने तक के लाले पड़े हुए हैं, कहीं गरीब तबका गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहे हैं। वहीं अभी और भी लोगों से हम जान लेते हैं, क्या नाम है आपका? किशन। किशन जी, क्या क्या पेट्रोल सही सीएनजी डलवाने आए? सीएनजी कैसी कितनी महंगाई चल रही है? महंगाई को मत पूछो मैडम, बस महंगाई नहीं है, महंगाई को तो पूछो ही मत। पूछो ही नहीं, क्यों भैया? रोटी खाने को पैसे ना है, पर इनमें रोटी खाने को पैसे नहीं है। पर इनमें डलवानी पड़े क्योंकि जाना पड़ेगा। अभी बाबा की देहात होगी है, किराए को पैसे नहीं है, मगर चार आदमियों को लेके आएंगे तो सीएनजी तो डलवानी पड़ेगी ना। मतलब खाने को पैसा नहीं है मगर इसको चलाना है, क्योंकि इसी से ही कमाई हो रही है। इसी से कमाई होगी, अगर ये नहीं चलेगी तो फिर डलवाएंगे कैसे, खाएंगे क्या? बचत हो जा रही है, बच रहा है कुछ नहीं है, घर पे भी बालकों की दवाई नहीं, कमा रहे उतना चला जा रहा है। अभी देख लेना 450 में फुल होती थी, आज 650 में फुल हो रही है। मतलब रोज सीएनजी के अलग अलग भाव आ रहे हैं। क्या नेशनल मीडिया देखते हैं, चैनल देखते हैं? न्यूज मैम देखने का फायदा क्या है? कुछ भी फायदा नहीं, फायदा नहीं है। इतना कुछ दिखाते हैं आप, जागरूक से कुछ नहीं होता ना मैडम। जब कुछ फायदा होगा जब भी तो फायदा होगा। कैसा फायदा चाहिए? तो मैम रोज ही न्यूज पे आते रहते हैं, मगर इससे कुछ बेनिफिट मिलता हो तो हम न्यूज के सामने भी आए, इनके कुछ बताए भी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, तो अभी देख लिया आपने किस तरीके से ये बता रहे हैं कि इनकी जितना कमाई नहीं हो पाती उतना तो इनका सीएनजी में चला जाता है रोज के रोज। अभी और भी यहाँ पे ऑटो वाले भी मौजूद हैं, अभी ऑटो वाले से भी हम बात कर लेते हैं। अंकल जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन ठाकुर है। विपिन ठाकुर जी, विपिन ठाकुर जी सीएनजी भरवाने आए जी। क्या भाव चल रही है? 74 रुपए किलो। 74 रुपए किलो जी। अच्छा, तो महंगी हो गई, सस्ती है, नॉर्मल है? नहीं महंगी हो गई बहुत, डबल हो गई महंगी। डबल महंगी हो गई, क्यों महंगी हो गई? अब क्यों हो गई वो तो मालूम नहीं जी। नहीं मालूम है जी, क्यों डबल हो गई ये नहीं मालूम आपको? सरकार जो है प्राइस रोज नए नए प्राइस ला दे रही है, आपको रोज भरवाते भी होंगे तो पता ही होगा कि कल कितने का भरवा रहे थे, आज कितने का भरवा रहे हैं, रोज नए नए प्राइस आ रहे हैं, तो इस पर रोक लगेगी कि नहीं लगेगी? वो रोक लगना चाहिए जी, लगना चाहिए, कम होना चाहिए। तो किससे गुहार लगाएंगे आप? सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएंगे या ये केजरीवाल लगाएंगे? टीका लगाया हुआ है इतना बढ़िया जी, भक्त हैं जी, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। हाँ जी पढ़ते हैं, हनुमान जी भी आकर आपकी सीएनजी कम नहीं कर पा, नहीं कर पा रहे हैं। देखिए इतने बड़े भक्त हैं, हनुमान जी भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मगर देखिए भक्ति इनके अंदर है। भैया क्या नाम है आपका? शंभू गुप्ता। शंभू गुप्ता जी, तो गुप्ता जी ये बताइए जिस तरीके से महंगाई आपकी भी कमर तोड़ रही है। बिल्कुल, सबके लिए महंगाई तो है ही, कमर तोड़ रही है। 74-75 रुपए किलो गैस मिल रहे हैं, महंगाई है ही नहीं। 74-75 रुपए किलो क्या हो गया, इतना ही तो हुआ है? 74 रुपए किलो कम है, जो कि 42-43 रुपए किलो था, 3 महीने में 74-75 रुपए हुए। अभी 100 कहाँ पार हुआ है, 74 पे है अभी बचे हुए हैं। 100 पार होगा तो फिर जैसे आज भी 74 रुपए भरा रहे हैं, फिर भी 100 कमाई कितनी हो जा रही है? कमाई वही हर रोज से कम हो रहा है, हर महीने से कम हो गए। कमाई से ज्यादा इसकी मतलब इसकी बढ़ती जा रही है या फिर आपकी कमाई जा रही है ना मैडम? मीटर के भी पैसे नहीं मिल रहे हैं। कुछ कहना चाहते हैं, दर्द है आपके अंदर भी, अभी बोलिए। ऑटो वाले आपके पास भी आते हैं, आइए। हाँ बताइए क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ जैसे गैस का रेट बढ़ रहा है वैसे मीटर का भी पैसे बढ़ना चाहिए ना। मीटर का पैसा तो मीटर का किस तरीके से? 40 रुपए जो गैस था उस टाइम भी 9 रुपए 10 रुपए मीटर था, अभी भी वही रेट है, गैस का डबल रेट हो गया, 42 से सीधा 74 चला गया। आप बताइए 1.5 महीने के अंदर में इतना रेट बढ़ा हुआ है, मीटर पर कुछ नहीं बच रहा मैडम। रोज के रोज नए नए प्राइस आ रहे हैं। नई गाड़ी की दिहाड़ी है 400 रुपए और सीएनजी आ रहा 300 रुपए की, 700 रुपए दिहाड़ी हो गए। पहले जो दिहाड़ी था 400 था, गैस आते थे 150 की, 150 से 200 के बीच में गैस आते थे, अब आ रहा है 250 से 300 के बीच में गैस। तो ये कौन कर रहा है? सरकार कर रही है और कौन कर रहा है? सरकार कर रहा है। जो भी है दिल्ली सरकार देख रही है, दिल्ली सरकार को दिल्ली देख रही है,
सेंट्रल कुछ करती है कि नहीं करती? इसके बारे में तो इतना नॉलेज नहीं मैम, है तो ऑटो वाले ही। अब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ है या केजरीवाल का हाथ है ये तो हम कुछ बता नहीं सकते। सरकार तो कर रही है ना काम, तो सर दारू फ्री कर रही है, इधर पैसा जोड़ रही है सीएनजी वाले को, भूखे मार रही है, कुछ नहीं बचते पूरे दिन में, तो भूखे मर रहे हैं, कमा रहे हैं अच्छा खासा। अच्छे खासे कमाते तो यही करते मैम, ऑटो चलाते हैं, ऑटो ही चलाते हैं। सामने का नाम है शशि तिवारी नाम है। शशि तिवारी जी तो फिर क्या मतलब, कहाँ महंगाई हो रही है, इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? महंगाई डबल हो गई है। डबल हो गई है? बिल्कुल डबल हो गई है। डबल से परेशानी क्या है? परेशानी है डबल गैस आ रहे हैं ना मैडम, डबल आ रही है। हाँ मीटर के पैसे नहीं देना चाहता कोई, भरवा तो रहे हैं आकर के आराम से, तो क्या करा जाएगा, भरवाना तो पड़ेगा इनको, क्या पंप तोड़ने से थोड़ा काम चलेगा। सरकार के पास जैसे आप पूछ रहे तो बता रहे हैं कि डबल रेट हो गया, 42 रुपये था, अब आप देखिए खुद देखिए यहाँ पे मीटर कितना बता। सरकार को वोट देते हैं? देते हैं, किसी को तो देते होंगे, बिल्कुल है ना, बिल्कुल देते। तो सरकार को लाना वाले कौन है? आम आदमी है जैसे हमें, आप है, आप ही लोग हैं, बिल्कुल ले। क्यों परेशान हो रहे हैं? महंगाई देख के परेशान हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, वो नहीं पड़ता। महंगाई क्या हनुमान जी बढ़ा रहे हैं? नहीं नहीं हनुमान जी कैसे, राम का नारा लगाइए सब हल होगा। नारा लगा देंगे हम तो हिंदू हैं, जब मर्जी तब नारा लगा देंगे, जय श्री राम बोलने में कोई दिक्कत नहीं, पर सरकार ही करेगी ना मैम, भगवान तो करेंगे नहीं, भगवान कहते कर्म करो। तो सरकार तो गाड़ी आगे लाऊं गैस भरवाने तो में। सरकार तो सुनिए ना, सरकार तो जय श्री राम हनुमान चालीसा और ज्ञान व्यापी अभी मंदिर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढ रही है। बिल्कुल बिल्कुल आगे ला रहा हूं इसको। हाँ तो अभी देखिए किस तरीके से ये लोग जो है परेशान है पर बोल नहीं पाते हैं, परेशानी है पर बोल नहीं पा रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है आपका? मैडम विमलेश कुमार। बिमलेश कुमार जी, बिमलेश जी सीएनजी भरवाने आए हैं जी मैम। क्या क्या महंगाई हो रही है सीएनजी पे? पहले 42 रुपए किलो था, दो महीने के अंदर अंदर 72, दो महीने के अंदर अंदर कितना बढ़ गया? 73, दो ढाई तीन महीने के अंदर 73। कमी तो है, अभी कहाँ 100 हुआ है मैम? 100 गया, 100 गए तो फिर काफी दे जाएगी। महंगाई कहाँ है? महंगाई है ना जो हमारे कहीं नहीं दिख रही आप लोगों को, महंगाई दिख रही है, चैनल वाले दिखा रहे हैं आपको महंगाई। हो सकता है कि गवर्नमेंट की कुछ मतलब मजबूरी हो या क्या हो, कुछ अपनी पता नहीं। गवर्नमेंट की मजबूरी क्या है? गवर्नमेंट के पास दुनिया का पैसा है, क्या मजबूरी है गवर्नमेंट? क्या पॉलिसी है क्या नहीं है वो हमें नहीं सब चीजें। गवर्नमेंट की मजबूरी है इसलिए महंगाई कर रही है। हाँ हो सकता है कि कुछ मजबूरी हो गवर्नमेंट की। क्या नाम है आपका? अभी विमलेश बताया आपने। विमलेश कुमार जी, तो अब क्या करेंगे फिर, महंगाई हो रही है मैम, चलते रहेंगे अब क्या करेंगे? ऐसी जैसे कमाई हो जा रही है उतनी महंगाई के जिस तरीके से सीएनजी के रेट बढ़ रहे हैं उस तरीके से आपकी कमाई हो जा रही है रोज भर में? मैम कमाई तो नहीं हो रही, लेकिन मतलब ये है कि किराया बढ़ना चाहिए इसके साथ, जैसे अगर जैसे फ्यूल बढ़ रहा है तो किराया बढ़ना चाहिए, किराए को भी मतलब अभी मुंबई में बढ़ गया, वहाँ स्ट्राइक किया। बढ़ रही है तो अच्छी बात है, बढ़ रही है, मगर किराए बढ़ जाए ये नहीं कि सीएनजी कम होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए सीएनजी? गवर्नमेंट बोल रही है कि बढ़नी चाहिए तो फिर किराया बढ़ना चाहिए ना, मेरे कहने का मतलब ये चीज़ बढ़ रही है, रेट बढ़ रहा है तो किराया बढ़ क्यों बढ़ रहा है, ये कारण पता है आपको? मैम ये नहीं पता नहीं ना, गवर्नमेंट वालों को डीए बढ़ जाता है, हमारे प्राइवेट वालों की हालत खराब रहती है। देखिए सीएनजी के भाव बढ़ रहे हैं लगातार, मगर ये बोलते हैं हमारा किराया भी बढ़ना चाहिए। अभी उसी तरीके से यहाँ पर गाड़ियों की लाइन पर लाइन लगी हुई है, ऑटो वालों की अलग लाइन लगी हुई है, सीएनजी की अलग लाइन लगी हुई है, पेट्रोल वाले अलग हैं। अभी एक और भैया ये आ गए हैं, इनसे पूछ लेते हैं, क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम है जुनेद खान। जुनेद जी बड़े खुश दिख रहे हैं। बहुत खुश दिखेंगे, अपनी मेहनत से कमाते हैं। बिल्कुल मेहनत से कमाइए हम। अरे भैया मेहनत से कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे, है ना जी मैम? सीएनजी भरवाने आए हैं। सीएनजी भरवाने आए मैडम, खुश दिख रहे हैं सीएनजी? खुश इसलिए दिख रहे हैं, सीएनजी 100 रुपए हो जाएगी, ऑटो चलाना छोड़ देंगे। 100 रुपए हो जाएगी, ऑटो चलाना छोड़ देंगे, इसलिए छोड़ देंगे मैम, सीएनजी बहुत महंगी हो चुकी है, किराए की कैसे कमाना खाना करेंगे मैम? मजदूरी करेंगे, कहीं ऑपरेटर बनेंगे, कहीं पर इलेक्ट्रिशियन बनेंगे, कुछ ना कुछ बनेंगे जरूर रोड पे। कितना पढ़े लिखे मैम? 12वीं पास हूँ मैम। 12वीं पास है, ऑटो चला रहे हैं? ऑटो इसलिए चला रहे हैं मैम, सब पार्ट टाइम चलाना पड़ता है। कितने बच्चे हैं आप? मैम 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे, गुजारा बसर चल पा रहा है इसमें? नहीं चल पा रहा मैम, महंगाई हो रही है, कमर तोड़ दे रही है। कमर तोड़ दे रही है मैम? किसकी वजह से टूट रही है कमर? महंगाई की वजह से मैडम। महंगाई किसने की है भैया? महंगाई करी सरकार, किसने करी है? सरकार ने करी है मैडम, सरकार कर रही है महंगाई, कर रही है। गुहार किससे लगाएंगे? किसी का नाम नहीं लेते हम, सरकार से लगाएंगे। केजरीवाल जी का बड़ा नाम ले रहे हैं आप, बड़े खुश हो रहे हैं, हैं? ये बीजेपी भैया,
क्या नाम है आपका? आप इसमें बैठे हुए हैं, आप मतलब वो हैं? बड़े खुश दिख रहे हैं। क्या कमाई बढ़िया चल रहा है? महंगाई महंगाई है कि नहीं है? कुछ महंगाई नहीं मैडम, सब बढ़िया चल रहा है। कोई महंगाई नहीं है? गजब बढ़िया। अरे वाह क्या बात है। पहले ऐसे बंदे आप देख सकते हैं यहाँ पर, अभी तक कमर से टूट रही, महंगाई से टूट रही उनकी कमर, मगर ये भाई साहब बड़े खुश हैं, कह रहे कोई महंगाई नहीं है। तो अगर ये कह रहे हैं तो आप भी मान लीजिए कि महंगाई नहीं है। हाँ अभी और भी लोगों से ये आप देखते जाइए लगातार, जो इससे इस तरीके से सभी लोग यहाँ पर मौजूद है। किसी किसी की कोई कमाई की बात कर रहा है तो कोई महंगाई की बात कर रहा है। अंकल जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम टोनी। टोनी जी के सीएनजी भरवाने आए? हाँ जी। सीएनजी क्या भाव चल रही है? क्या भाव चल रही है? क्या मैं आपसे पूछ रही हूँ? 70 रुपए। 70 चल रही है? 75 तो वहाँ बता रहे हैं, आगे 74 तक बता दिया आपको। हाँ तो 8 डलवाऊंगा। कितना बता रहे हैं आप? 75 ही होगा। हाँ तो सीएनजी भरवाने आए, महंगाई महंगाई है कि नहीं है? बहुत महंगाई है मैडम, बहुत परेशानी हो रखी है इस टाइम। कब बोलेंगे? खर्चा बोलना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं महंगाई पे? महंगाई परेशान है, गाड़ी चला चला के गाड़ी नहीं चलाएंगे तो खाएंगे कैसे? खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे मैडम। खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे? क्या खर्चे हैं? खर्चे गाड़ी के मेंटेनेंस है, मालिक को झाड़ी देनी होती है। आपका नहीं है ऑटो? नहीं ऑटो नहीं है। ऑटो भी किराए पे चला रहे हैं? किराए पे। उनको भी देना पड़ता है? जी। कितना बच जाता है आपका? मुश्किल से मालिक वाले की झाड़ी गैस वैस निकाल के 250-300 रुपए बचते हैं बस। 250-300 रुपए? और 8 घंटे में चलाते हैं? कितना घंटा चलाते हैं ऑटो? मैं तो सवेरे निकलता हूँ 9:30-9 बजे। 9:30 बजे? और घर में कब घुसते? अब जा रहा हूँ, घर पे ही जा रहा हूँ। अब जा रहे हैं तो मतलब इतने घंटों में काम करने के बाद 250-200 रुपए घर पे पहुँचते? हाँ जी। हाँ जी। गुजारा बसर चल रहा है जी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं? देखिए किस तरीके से सिर्फ 250 रुपए मात्र में अपना घर परिवार चला रहे हैं 4 बच्चों के। अभी इसी तरीके से लगातार महंगाई कमर तोड़ रही है लोगों का, जो है नींबू की तरह निचोड़ के रख दे रही है। बुरे हाल हैं लोगों के। और महंगाई देखिए, सीएनजी रोज नए प्राइस के साथ आ रही है, मगर कोई बोलना नहीं चाहता है। बोलना भी चाहते हैं तो बेचारे क्या करें, डर है। अभी इनका महंगाई से ही शायद दिमाग घुमा हुआ होगा, इसीलिए वो बेचारे बोल नहीं पा रहे हैं। वाकई में महंगाई है, दिमाग तो घूम ही सकता है। अभी ये भैया भी हैं, एक इनसे भी पूछ लेते। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम तो मैम अनवर हुसैन है। अनवर हुसैन जी सीएनजी भरवाने आए हैं? जी हम सीएनजी भरवाने आए हैं। रोज नए नए प्राइस के साथ भरवाते हैं? रोज आप सरप्राइज होते हैं कि नया दाम बढ़ गया एकदम से? नहीं नया तो ये तो भाव हो जाए। पहली बार से देख रहा हूँ, ये जो है 2 महीने से इतना रेट बढ़ा दिया है कि आदमी बोलेगा जो बोलेगा कहाँ, किसी चीज़ में सुनवाई नहीं होता तो क्या करेगा आदमी, जनता सुनवाई नहीं हो रही, हो ही नहीं रही। इधर बनियन लूट रहा है, इधर सीएनजी पंप लूट रहा है, इधर पेट्रोल लूट रहा है, अब बोलने वाला एकता तो है नहीं। अब सीएनजी पंप और बनिए लूट रहे हैं, और कोई भी लूट रहा है क्या? क्या करा जाए? कौन बढ़ा रहा है ये भाव? भाव कौन बढ़ा रहा है इसको, कैसे कह सकते हैं? सरकार, यहाँ की सरकार है वही बढ़ाएगा ना, और कौन बढ़ाएगा? जो केजरीवाल सरकार बढ़ा रही है, और सरकार से दुखी है। आगे चल के भी कोई कह रहा घटना हो रही है बाहर देश में, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, ठीक है इस वजह से महंगाई बढ़ रहा है, तो इसलिए पब्लिक चुप हो जाते भाई, क्या करा जाए? हम बोलेंगे ज़्यादा तो बच्चे भूखे। पब्लिक चुप हो जाएगी तो आप भी चुप हो जाएंगे? अब इसमें कोई तो बोलेगा। बोलेगा मैम, उतने हम लोग के पास पावर नहीं है ना, हम लोग तो बस रोज कमाना है, रोज खाना है। आपके पास वोट की पावर है, इस उंगली की पावर है आपके पास। मैम क्या कहा जाए? क्या कहा जाए? वोट लेने का नहीं तो हाथ जोड़। सबसे ज्यादा अमीर है आप लोग, आपके पास वोट की ताकत है। ताकत को कहाँ मानते हैं मैम, ताकत को उस चीज को अपने आप को इतना गरीब मानते हैं? आपकी ये उंगली है जो उंगली बहुत कमाल दिखाती है, सत्ता में बैठाती है उन लोगों को। 500 रुपए दे दिया तो कहता वो रिश्वत लेके वोट दिया, हमने तो कभी रिश्वत ही नहीं लिया कोई चीज में। सरकार को ऐसी इस तरह से हम वोट देते हैं कि जनता खुश रहे उससे। पर जनता अब खुश है कि दुखी है? दुखी है, अब किसी की सुनवाई नहीं तो दुखी। पहली बार ऐसा, पहली बार हो रहा है क्या मैम? ऐसा पहली बार हो रहा है, इसलिए पहली बार इतना 2 महीने में, साल भर में बढ़ता था, 1.5 साल में
2 रुपये 3 रुपये बढ़ता था, एकदम ही 35-25-26 रुपये बढ़ गया एक महीने दो महीने में। तो देश में सब कुछ पहली बार हो रहा है। तो पहली बार हो रहा है, ये पहली बार मैं देख रहा हूँ इतना महंगाई एकदम ही नहीं हो गया। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि राजा जो है अपनी जनता को दुख देकर आराम से खुश मौज ले रहा है। जी मैम ऐसा हो रहा है, पहली बार देश में ऐसा हो रहा है कि लोगों की कमर तोड़ रही है और जो सत्ता में बैठे राजा हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब तो और गरीब होता जा रहा है। इसी तरीके से सभी लोगों से हमने बात की और आपने जाना, सभी के अपने अलग अलग मत थे, जितनी भी है सब ने यही बोला कि महंगाई है, पर महंगाई पर बोलेगा कौन? ये जो इंसान थे इनसे मैंने बात की, जो व्यक्ति थे इन्होंने बताया कि जिस तरीके से महंगाई है कमर तोड़ रही है और जो सरकार है वो है, हम गरीब लोगों की सुनेगा कौन? मगर इनको अगर इतना ही पता होता तो ये आज ऑटो नहीं चलाते, क्योंकि जब सरकार सत्ता में बैठी होती है तो आप जवाब सवाल करने वाले भी होते हैं, मगर जवाब सवाल करें कैसे जब जनता के मुंह पर उंगलियां रख दी जाएं? और उसी उंगली का कमाल है जो सत्ता में बैठी सरकार अपना पावर दिखा रही है और इसी तरीके से लगातार महंगाई आसमान छूती जा रही है। जब तक के लिए देखते रहिए जनहित आवाज़ नई दिल्ली।